तो आज तो भाई आज है जुम्मा और जो है जुम्मे की नमाज बस और आधे घंटे में होने वाली है और मैं अभी अभी उठा हूँ। बस अभी मुझे अपने कपड़े निकालने हैं। कपड़े निकालने के बाद मुझे देखना है कि मैं क्या पहनूँ आज, और उसके बाद मुझे फौरन नहाने जाना है। नहाने के बाद जुम्मे की नमाज़ पढ़नी है। तो आज आजकल मुझे बड़ा मेहरबान है, कम करने वाले हैं। तो भाई अब हम अलमारी से निकालते हैं कपड़े। हमें निकालना है शलवार कमीज़। ये तो सर्दियों के लिए जैकेट है मोटी ना, तो हमें शलवार कमीज़ निकालने हैं। खैर हमें माशाल्लाह कमीज़ पता नहीं कहाँ है। ये रहा, ये निकाल लेंगे। तो हम ये पहनेंगे आज इंशाल्लाह। लेकिन ये वाइट है तो जल्दी मेला ना हो जाए। तो मैं शलवार कमीज़ निकाल लिया, अब मैं पहन के आपको दिखाऊंगा कि मैंने कौन सा शलवार कमीज़ निकाला है। तो उससे भी फौरन नहाने जाता हूँ और उसके बाद आते हैं और फिर तैयारी करते हैं जुम्मे की नमाज के लिए जाने की, और फिर आपको मस्जिद वगैरह भी दिखाते हैं सारी। तो फाइनली मैं नहा के आ चुका हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम बड़ा कम है। और बस अभी अपने सर को जो है, हम सर को बाल जो सुखाते हैं और उसके बाद जो है देखते हैं बाहर क्या इंतज़ाम हुआ सारा ना। भैया चाहिए सारे सबको, क्योंकि वो भी ना हार सर्दी हो रही है। तो भैया अब हम अंदर की टोपी निकालते हैं। सारे के बाल सुखा, सारे सारे बाल सुखा रहे हैं अपने, अभी नहा के आए। और मैं जो टोपी सही से पहले पता नहीं, मुझे दिख नहीं रहा ना अभी, तो आप लोग बताएं कैसे पहनेंगे। मैं तो भाई नमाज पढ़ने जा रहे हैं अभी, देखें आप सैंडल पहनी हुई हो कि भाई ने बस चोरी ना हो जाए, क्योंकि नीचे जो जगह नहीं है, अपनी चप्पल को छुपा के रखेंगे भाई। चल रहे हैं ये साइंस की टांगे, हमारी टांगे हैं, और जो है घर पे चल रहे हैं। नमाज पढ़ ली हमने, ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड है माशाल्लाह। जुम्मे की नमाज से फारिग हो गए थे, अब जो है हमारा नाश्ता करना है। और जो है आज जुम्मा है, क्योंकि तो जुम्मे के दिन जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करें, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे के दिन मुझ पर जितना दुरूद शरीफ हो सकता है पढ़ा करो। तो हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, ज़्यादा से ज़्यादा चलते फिरते पढ़ लिया करें, फारिग बैठे में पढ़ लें। तो खैर अभी हमें दूध देने जाना है ताकि हम नाश्ता कर सकें, अपना पेट पूरा भर सके नाश्ता करने के बाद, क्योंकि हमें चाय पर आटा अंडा खाना है। तो चाय बनाने के लिए वहाँ पर दूध है ही नहीं बिल्कुल। तो अभी बाहर जाते हैं, दूध लेके आते हैं और फिर खाना वाना खाते हैं और फिर इंजॉय करते हैं आज का व्लॉग। नहीं भाई अपना दूध आ चुका है जिससे हमें नाश्ता करना है। तो ये अपना दूध है भाई, सही ना भाई, इसी का इंतजार में नाश्ता अलहमदिल्ला ले आए। वो कैसा भाई? ठीक है। तो भाई ये चाय आ गई है, जो दूध हम लाए थे तो वो इसके अंदर दलना था, तो फाइनली दल गया है। ये जो है मछली का सारा है हमारा, जो कि साइन साहब का है। तो अभी हम जो है अपना सारा पराठा लेते हैं पहले। ये सही है अभी, ये आ गया पराठा और ये आ गई चाय। और अंडा जो है अभी नहीं है, तो हम चाय पराठा खाएंगे और मछली का सारा। मछली का सारा नहीं, ये अरबी का सारा है, बल्कि अरबी वाला है, अरबी गोश्त। गोश्त लिया है इसमें से। अच्छा गोश्त है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उधर तुम थोड़ा सा सालन क्यों क्यों खा रहे हो भाई तुम? अच्छा हमको सिखा रिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गोश है, बिस्मिल्लाह। खाने का मौज नहीं मेरे मुंह में आने का। रहीम बढ़िया हूँ, खाते भाई। तो पानी की कमी थी भाई, पानी भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है अब मैं गिलास एक करके तो ला नहीं सकता था, मैं पूरे ये उठा के ले आ गया। क्या ख्याल है? सही किया मैंने, बेहतरीन। आप लोग जो है ये ऊपर जो पंखा देख रहे हैं ना, मैं आप लोग को इसकी स्पीड दिखाता हूँ। ऐसा लगता है बिल्कुल कि जैसे बिल्कुल जहाज है ना टेक ऑफ करने वाला है, ऊपर उड़ने वाला है। आप स्पीड देख रहे हैं इसकी भाई, अभी आप देखिए बस ये बाहर आना निकल के डर लगा रहा था। ये थोड़ा तेज हुआ, मैंने और तेज किया, इसके बाद देखिए अभी तो कुछ भी नहीं है। देखिए ये देखें इतना ज़्यादा तेज़ हो गया, ये देखें हद से ज़्यादा तेज़ चल रहा है, वो निकले काम हो जाएगा। तो खैर फुल तो खोलना नहीं है वरना बिजली का बिल बहुत आता है भाई।
भाई जैसे ये है ना, अब इसको आप देखें, ये दीवार खाली पड़ी हुई तो इस पर कीड़ लगी हुई है। अब हमें लगाया था शोपीस, तो जो है अब जो है ये कैरम बोर्ड जो है हम इतना यूज़ नहीं करते, तो अब मैंने सोचा इसको ये करते हैं, आप देख क्या करते हैं। ये चेक करें आप, ये लग गया यहाँ पे और ये बन गया शोपीस। सुभान अल्लाह, चाहे करमाश लगा हुआ इसके ऊपर बीच में घड़ी हो और मजा आ जाओ। फजूल चीज़ों को जगह पे लगा रहा, खैर ये फजूल लिए हम इससे खेलते हैं, लेकिन अभी हमने कम कर दिया थोड़ा क्योंकि जो मसरूफ है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ, इसको वापस ले कर रखना है, हालांकि ये अच्छा नहीं लग रहा वैसे क्योंकि दीवार ज़्यादा अच्छी लग रही है ऐसी, तो हम इसको वापस ले कर देंगे। ये छोटा वाला है, फुल वाला नहीं है, फुल नहीं है क्या रिमोट, ये जो है छोटा वाला, तभी मैं एक हाथ से उठा रहा, बहुत बड़ा होता है नॉर्मली। अब हम इसको रखने वाले हैं यहाँ पे, सही ना भाई, एक हाथ ये चेक करा भाई की ताकत, चेक करा, चेक करे ताकत, ये होता पावरफुल मैन, अल्लाह गिर ना जाए टूट जाएगा वरना। तो आज मैं बढ़ते खत्म करते, लेकिन आज मुझे बड़ा व्यवहार ले आया तेरे बदल खत्म बोलने वाला है भाई, बाइक ले आपके लिए इधर ही, क्या हेलमेट है भाई। तो खैर भाई आज का वीडियो यही था, आप लोगों ने देखा बहुत बहुत, ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हेलमेट लिया था, और इसमें ये है कि हम इसको नीचे करेंगे ना, तो हमारा जो जब हम बैठे तो हमारा जो मुँह का हिस्सा है वो यहीं आता है, तो सांस एयर अंदर आती है वरना एयर टाट जाती है क्योंकि सब बन में रहता है भाई। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ये भी इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि सर्दी होती है तो बाइक पे कहीं आते जाते हैं तो आँखों से भी आंसू निकलने होते हैं, नज़ला भी आता है ठंडी हवा लग के नाक पे, तो पता नहीं क्या क्या आता है। तो खैर उसके लिए ये बड़ा अच्छा वाला हमने लिया है, अच्छे वाला है लेकिन सस्ते रेट में लेके हम महंगी चीज़ कोई नहीं लेते, सही ना, घर में आया आप लोगों के समझ आ गई। तो खैर आज के लोग ये खत्म करते हो, अपने जगह जगह सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लोग में, अभी के लिए हाफिज़ स्टार्टअप, बाय बाय।